वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर जसवंत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री. स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, दैट इज थायोईथर. स्टूडेंट, थायोईथर को हम एक बार फॉर्मुलेट करें तो फॉर्मूला हम बना सकते हैं RSR. दिस इज थायोईथर, डाई अल्काइल सल्फाइड भी कह सकते हैं इसको, हम डाई अल्काइल थायोईथर भी कह सकते हैं. डाई अल्काइल वर्ड है, यहाँ पर दो अल्काइल दे रखे हैं. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यूँ है कि ये बहुत डिमांड है इसकी इंडस्ट्री में एज ए मेडिसिन. तो ज़रा देखें इसका कैसे हम प्रिपरेशन दें. जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके लिए क्या क्या होंगे, हाउ टू प्रिपेयर डाई अल्काइल थायोईथर. तो डाई अल्काइल थायोईथर को प्रिपेयर करने के लिए नंबर वन, डाई पोटेशियम सल्फाइड यूज में लेते हैं. पोटेशियम सल्फाइड को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट किया जाए या अल्काइल पोटेशियम अल्काइल सल्फेट से रिएक्ट कराकर भी हम इस तरह से RSR हम बना सकते हैं. इसमें भी RSR बन जाएगा. बाई प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो बाई प्रोडक्ट्स इसमें KX बन जाएगा, इसमें K2SO4 बन जाएगा. KX बना देंगे यहाँ पर, तो KX बन गया यहाँ पर K2SO4. बाई प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें ये पता रहना चाहिए कि ये किस तरह से डाई अल्काइल ईथर बन जाएगा. डाई अल्काइल ईथर थायोईथर बनेगा. तो ज़रा ध्यान दें, इसमें अगर हम सिंपल ईथर की बात करते हैं, उसको P2S5 से रिएक्ट कराते हैं तो ये भी थायोईथर में कन्वर्ट हो सकता है और P2O5 बन जाएगा. सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा, O की जगह S अपनी जगह यहाँ ले लेते हैं और ये जो है रिएक्शंस हमें एक तरह से बड़ा ईजी वे है. तो नंबर दो रिएक्शंस तो हो गया हमारे लिए कि हम पोटेशियम सल्फाइड से बना सकते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन हम कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट अपने आप में है कि हम सिंपल ईथर को किससे ट्रीट करा दें, फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड से रिएक्शन करा दें. तो नेक्स्ट रिएक्शन देखें, RBR से भी रिएक्ट करा सकते हैं. RBR की रिएक्शन हम RSNA से करा दें तो यहाँ पर देखें ज़रा NaBr आउट हो जाएगा और RSR ये जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बन सकता है और सिंपल क्या बाई प्रोडक्ट बन गया, NaBr बाई प्रोडक्ट बन गया. सिमिलरली हम थायोल से, अल्काइल थायोल से भी हम डाई अल्काइल थायोईथर बना सकते हैं. थायोईथर बनाने के लिए हम ये देखो थायोल यूज़ में लिया, इसमें एल्यूमिनिया Al2O3 और इसमें ZnS जिंक सल्फाइड साथ में रखकर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम हीट करते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए गए हैं. यहाँ पर RSR बन गया और साथ में H2S आउट हो सकती है. सिंपल मेथड्स हैं. नेक्स्ट मेथड हम एल्कीन के लिए कहेंगे. एल्कीन से भी हम ऐसा प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वही सिंपल बॉन्ड ब्रेक हुआ. यहाँ पर एक तरफ तो हम कर देंगे H पॉजिटिव और H नेगेटिव, तो ये प्रिपरेशन बहुत ईजी सा है. हम यहाँ पर मार्कनकोफ रूल भी कह सकते हैं कि यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव पार्ट को यहाँ पर अटैच कर दें, SR हो गया और यहाँ पर ये H अटैच हो गया. तो ये थायोईथर ही बना. एक और मेथड है कि हम इस तरह से लेड का मरकप्टो लेड के साथ अगर रख दें तो देखो यहाँ पर PbS आउट हो जाएगा. PbS यदि यहाँ पर आउट हो जाए तो रिमेनिंग क्या बचा है, RSR ही बचा है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर थायोईथर. तो थायोईथर के लिए नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, हमने इसको वन कह दिया एक जैसे ही, इसलिए अदरवाइज सेवन मेथड्स हम इसको एज ए प्रिपरेशन यूज में ले सकते हैं. तो प्रिपरेशन मेथड वाइज अगर देखें तो थायोईथर आपके लिए सफिशेंट रहेंगे. हमने ये मेथड सारे के सारे काउंट कर लिए हैं. इन मेथड्स पर आपको एक बार प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, जस्ट राइट फर्स्ट हाफ रिएक्शन और कंप्लीट योर सेल्फ. इस तरह की प्रैक्टिस आपको समय समय पर कर लेनी चाहिए, तो कोई प्रिपरेशन मेथड में कहीं डाउट नहीं हो. नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसका केमिकल प्रॉपर्टी वाइज क्या रहेगा, ज़रा देखें.
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ थायो ईथर। अब इसमें प्रॉपर्टीज में, क्योंकि ये ईथर की तरह ही है, यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर हम यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं, लोन पेयर ये हैं, सब जगह लोन पेयर ही रहेंगे। तो ये तो तीन रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें मैं एसिड ले रहा हूँ, एसिड एक तरह से एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसके बेसिक नेचर को ये कंप्लीट कर रहा है। बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करने वाली ये तीन रिएक्शंस होंगी। तो कुछ भी नहीं करना हमने को यहाँ पर ये अटैच करना है। कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट यहाँ अटैच करते हैं, पॉजिटिव पार्ट यहाँ अटैच करते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ अटैच करते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट अटैच करने से ये सब एक तरह से सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। जब सॉल्ट बन रहा है तो आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि सॉल्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये, अगर एसिडिक करेक्टर वाइज ले रहे हैं तो ये बेस करेक्टर को शो करेंगे। तो दीज आर द थ्री रिएक्शन विच शो बेसिक नेचर ऑफ थायो ईथर। तो हमें ये तीनों रिएक्शंस बेसिक नेचर में शो करनी है, तो हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि बेसिक नेचर है थायो ईथर की। नेक्स्ट रिएक्शन देखें जरा, सेकंड रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हेडिंग लगा देना चाहिए, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड टाइप रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको ये पता है, यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे जो ओ प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर ये देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा मैंने, है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ऐसे ही NaNaIO4 सोडियम आयोडिक पराआयोडिक एसिड, ये पराआयोडिक एसिड, दिस इज H2O2 अगेन, वो लिख दिया हमने KMnO4, ये HNO3, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कन्वर्ट दिस थायो ईथर इंटू डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट। तो ये देखें जरा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो सकती है RSR, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच कर ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर वैलेंसी कितनी दिखाई जा रही है सल्फर की, 4। इसी तरह से अगर हम यहाँ B की बात करते हैं तो B में देखो RSR और एक ऑक्सीजन ऊपर अटैच करते हैं, एक ऑक्सीजन नीचे अटैच करते हैं, तो यहाँ सल्फर जो है वो अपनी 6 वैलेंसी शो कर रहा है। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑक्सीडेशन के थ्रू मिलेंगे अपने को, और हमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पेशली याद रखने हैं। व्हाट हैपन व्हेन थायो ईथर रिएक्ट विद H2O2, ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन अपने पास पूछ सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन थायो ईथर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन में हम ऑक्सीडाइज करके दिखा देंगे, बस ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं हम, इसमें थर्ड टाइप रिएक्शन है, दैट इज एडिशन रिएक्शन। और एडिशन में अब हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ सल्फर के साथ एडिशन हो रहा है, तो ये एडिशन होकर एक यहाँ पर देखें जरा, Br अटैच होगा S के साथ, एक नीचे अटैच हो जाएगा, एक ऊपर अटैच हो जाएगा, और ये बन गया एक तरह से प्रोडक्ट। तो ये एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ऐसे ही एडिशन रिएक्शन एक टाइप तो ये दे दिया, दूसरा टाइप हम प्लेटिनम टेट्राक्लोरो प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। टेट्राक्लोरो प्लेटिनम कैसे रिएक्ट कराएगा? अडक्ट प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, इसके दो मॉलिक्यूल एक साथ लिए जा रहे हैं, R2S होल ट्वाइस डॉट PtCl4, तो ये एडक्टिव प्रोडक्ट बोलते हैं, अडक्ट प्रोडक्ट। तो ये एडिशन प्रोडक्ट में बन गया, तो ये एडिशन रिएक्शन हमारे पास ये दो टाइप के रहेंगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ये दिस इज हाइड्रोलिसिस, तो स्पेशल रिएक्शन है ये, फोर्थ हाइड्रोलिसिस। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे हम ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ थायो ईथर का हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है अपने को, यहाँ ये सिंपल सी बात है कि ये दो H है, ये दोनों H इस S के साथ मिलकर और H2S आउट हो जाएंगी, और H2S आउट होने के बाद यहाँ पर देखो क्या बचता है, ROH, और दो मॉलिक्यूल ROH के यहाँ पर बन जाएंगे, ROH के दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ बन सकते हैं, और क्या हुआ, H2S आउट हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो रिएक्शन विद रेनिनिकल पाउडर फॉर्म में होता है रेनिनिकल, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसमें देखो क्या होगा, ये निकल है वो सल्फर को अपनी तरफ अटैच कर लेता और क्या आउट हो जाता है, NIS बन जाता है, निकल सल्फाइड बन जाता है, और क्या बच गया यहाँ पर, R, और ये दोनों H इसके साथ अटैच हो जाती हैं, दोनों H, तो दो मॉलिक्यूल एल्केन के बन जाते हैं, R के साथ H और R के साथ H, तो इस तरह से एल्केन फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट थायो ईथर। स्टूडेंट हमें स्पेशल ये ध्यान देना है कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आप एज इट इज लिख लें, ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी को आप करेक्टराइज कर लें, फर्स्ट टाइप प्रॉपर्टी जिसमें बेसिक नेचर है,
बेसिक नेचर फर्स्ट टाइप रिएक्शन होगी। सेकंड टाइप रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने को स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, एडिशन में सल्फर का जो वैलेंसी वो कोवैलेंसी बढ़ जाएगी, या सल्फर दो वैलेंसी से होकरता है या चार वैलेंसी से होकरता है, इस तरह से हमारे पास ये सल्फर का एडिशन भी हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में सी या सी और एस बॉन्ड ब्रेक होगा, सी एस बॉन्ड दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और एस टू एस आउट हो जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। सिमिलरली इस साइड यहाँ पर भी सी एस बॉन्ड दोनों ही ब्रेक हो जाते हैं और निकिल सल्फर से मिलकर और निकिल सल्फाइड बना लेता और रिमेनिंग विल बी एल्केन। तो एल्केन यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। स्टूडेंट कभी एल्केन हम प्रिपरेशन करते थे तो ये मेथड कभी नहीं लिखते थे, तो इसलिए अपन ये भी ध्यान रखें कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज बस हम इतना ही लेंगे इस टॉपिक में, और नेक्स्ट आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड मेरे पीडीएफ को आप यूज़ में लें, अच्छे से अच्छे नोट्स बना लें, जिससे कि आप कंपटीशन लेवल को अपना पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।